Hare Krishna. So we are right now in Ramayana and we have been discussing the Ram Katha from the last 1 week, 2 weeks rather. So ab tak hum kahan pahunche hain? Hum log yahan pahunche hain ki Ramchandra ji ka vivah ho gaya aur wo wapas Ayodhya aa gaye apni patni ke saath. Ramchandra ka hi nahi, Ramchandra ji ke saath Lakshman, Bharat, Shatrughna charon ka vivah ho jata hai aur charon wapas aa jate hain apne rajya mein. Bade khushhali se ji rahe hain. और बस उस दौरान अपने क्या कौन कहते हैं वो भरत और शत्रुघ्न भरत के मामा के घर पे जाते हैं. दे आर गॉन टू देयर मदर्स फादर दैट इज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस दैट इज एट कैकेयी राज. एंड वहां पे वो लोग वहां हैं और यहाँ पे दशरथ महाराज को लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे राज्य घोषित करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द हेयर टू द थ्रोन, व्हाट इज दैट इन हिंदी? उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी, आई हैव टू डिक्लेयर द उत्तराधिकारी को ये डिक्लेयर करना है. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया और उन्होंने जब पूछा मंत्रियों को, मंत्रियों ने बोला रामचंद्र जी जैसे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इज द बेस्ट पर्सन. तो रामचंद्र जी का नाम डिक्लेयर हो गया था. रात को सब प्रिपरेशन शुरू हो गए और रातों रात पूरे राज्य में एकदम जोरदार तैयारी शुरू हो गई. पूरा राज्य सजने लगा अपने सुमंत और वशिष्ठ मुनि सब जाके अपने अपने सामग्री सब जमा करने लगे, जिसके कल अगले दिन सुबह जो विधि करनी थी, रिचुअल वॉज टू बी डन. फॉर दैट दे कलेक्टेड ऑल द इंग्रेडिएंट्स, सारे वस्तुएं जमा की. इस वक्त जब पूरा उल्लास का माहौल था पूरे राज्य में, टेरेस पे खड़ी हुई मंथरा सब देख रही, तो समझ में आया नहीं. उसने लोगों को पूछा, भाई कितना उल्लास क्यों हो रहा है? तब उन्होंने बताया, लोगों ने बताया, अरे ये कुबड़ी तुझे पता नहीं, कल रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने वाला है, तुझे पता नहीं इस चीज के बारे में. तुरंत मंत्रा के दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसे इनके दिमाग में बात भर दूं जिससे भरत जी को राज्य मिले और रामचंद्र जी को वास मिले. तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, आई डिस्कस्ड एट लार्ज हाउ शी ब्रेन वॉश्ड कैकेयी, दो कैकेयी वाज इन द फेवर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र जी, शी ब्रेन वॉश्ड हिम एंड समहाउ उनको उनका दिमाग घुमा दिया उन्होंने, उस पर चेंज द हेड. एंड फाइनली जब रात को दशरथ महाराज आए थे बताने के लिए कि देखो मैं राम का राज्य अभिषेक करने वाला हूँ, तब कैकेयी उनकी प्रिय पत्नी अपने राज्य भवन में नहीं थी, वो जाके कोप भवन में जाके बैठी, क्योंकि ये आइडिया भी मंत्रा का था. तो पहुंच गया ये राजा उप भवन में और रानी को पूछने लगे, क्या हो गया, व्हाई आर यू सो सैड, आपके दुख का कारण क्या है, कहो, आई ट्राई टू रिमूव ऑल योर ग्रीफ. तब कैकेयी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जमीन पे पड़ी रही और रोती रही. जब राजा ने बार बार पूछा, फाइनली जब राजा ने उसको वचन दिया कि भाई तुम जो बोलोगी वो करेंगे, तब वो कहती है, तुमने मेरे साथ छल किया है, यू हैव चीटेड मी, यू वॉन्ट टू मेक राम एज द किंग, बट आई नो यू हैव प्रॉमिस्ड माई फादर दैट भरत विल बी द किंग. जब दशरथ महाराज ने कैकेयी से शादी की थी, तब कैकेया इज द फादर ऑफ कैकेयी, उनको वादा किया था वहां पे उस जमाने में स्त्री शुल्क या स्त्री धन देने का एक परंपरा था, वह एज पर द वेदास आज भी है, बट कलयुग के प्रभाव से उसको अब नाम हो गया डाउरी, एंड उल्टा लड़की वालों को देना पड़ता है लड़के वालों को, एक्चुअली लड़के वाले देते थे लड़की वाले, तो इट हैज बिकम उल्टा. तो नेवरदलेस उन्होंने तब वादा किया था. तो शी सेज, आपको याद है मैंने रणभूमि में आपको बचाया था जब आप देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे,
राक्षसों के साथ, तो अब आपको, तब मैंने आपको बचाया था, तब आपने मुझे 2 वर दिए थे, आज मुझे वो 2 वर मुझे लेना है। मैंने तब तो वो एनकैश नहीं किया था, आज रिडीम करना है वो। उन्होंने तुरंत बोला कि क्या चाहिए तुम्हें, उन्होंने बोला कि मुझे रामचंद्र जी का वनवास और भरत का राज्याभिषेक चाहिए। The minute Dashrath heard this, वो मूर्छित होके गिर गए। वापस होश आया, थोड़े खड़े थे, फिर से मूर्छित होके गिर गए। It's very detailedly explained in Valmiki Ramayana how a couple of times Dashrath Maharaj went unconscious. Finally, when he gained some conscious after some time, he told Kaikeyi, "Tu kaisi aurat hai? You are killing me. You don't understand. You are killing me by saying these words." Immediately she said, whether it is right or wrong, she didn't debate on that. But she cleverly talked one point. See, you are coming from a vamsha like Sibi, who was true to his words. आपने मुझे वादा किया था, 2 वर का वादा किया था ना। क्या वादा किया था? कि भाई जो मांगोगे मैं दूंगा। और उसी तरह राजा सिब्बी उनके ही वंश में थे, किंग सिब्बी, who was also a man of words। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पक्षी उनके पैर पे आके उनके शरण लेने आई। उन्होंने बोला, पूछे पक्षी को, क्या हो गया, क्यों मेरे पैर का शरण लेने आई? छोटी सी पक्षी चिड़िया थी, उसने बोला कि नहीं, मुझे एक बड़ा गिद्ध मुझे खाने आ रहा है, तो आप मुझे शरण दो। यू हैव टू प्रोटेक्ट मी, आई एम सरेंडर्ड एट यू एट योर फीट, एंड इट इज अ क्षत्रिय धर्म दैट व्हेनेवर वन आस्क्स फॉर प्रोटेक्शन, इट इज हिज ड्यूटी टू गिव प्रोटेक्शन। तो इमीडिएटली किंग सिब्बी सॉ द वल्चर कम नियर, उन्होंने बोला, रुक जा, क्यों इस छोटी सी चिड़िया के जान ले रहे? तो उन्होंने, तब गिद्ध ने कहा, ये तो मेरा आहार है, मेरा भोजन है, अगर मैं इसको नहीं खाऊंगा तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? तो इमीडिएटली राजा सिब्बी सेड, डोंट वरी, आई विल गिव यू दैट मच ऑफ मीट फ्रॉम माय बॉडी टू द वेट ऑफ दैट बर्ड। पक्षी कितना था? एकदम छोटा था, और उसके वजन का जितना मैं अपने शरीर से मांस काट के दूंगा। और उन्होंने अपना वादा निभाने के लिए तुरंत तलवार निकाला और शरीर से मांस के टुकड़े काटने लगे, और एक तराजू पे रख दिया गया, एक बाजू पक्षी बैठी थी और दूसरी तरफ वो मांस के टुकड़े डालते जा रहा है। और मजा का बात यह है, वो कितना भी मांस का टुकड़ा डाले, तराजू दस से मस नहीं हो रहा। बट ही डिड नॉट स्टॉप, ही वॉज गोइंग ऑन कटिंग ऑफ हिज बॉडी एंड पुटिंग इट इन द पैन। तराजू का वो भाग था वहां डाल रहा था। इट स्ट्रेच केम दैट अब उसको अपने आप को ही उस तराजू में बैठना पड़ता था, इतना कट चुका था उसका शरीर, बट फिर भी तराजू हिल नहीं रहा। तब जब राजा सिब्बी उठे, तब गिद्ध और कुछ नहीं था, यमराज गिद्ध के रूप में आया था, उन्होंने अपना असली स्वरूप आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपका, मैं सुना था कि आप वचन के सत्य हो, ये मुझे चेक करना था, ये मुझे देखना था किसके लिए मैं आया था। एंड सिब्बी रीगेन्ड हिज बॉडी। So she gave an example, देखो हम उस वंश से हैं, हम रघुकुल वंश हैं, और उस वंश में अगर कोई व्यक्ति वादा करता है तो उसको निभाता है, तो तुमको तुम्हारा वादा निभाना पड़ेगा। बहुत सारी मिन्नतें करता है राजा दशरथ, यहां तक कहता है उसके एवज में जो मांगना है मांग ले, सब होते हैं, मगर सुनने को तैयार नहीं। तब पूरा रात सोते रोते रोते उनका पूरा रात कट जाता है। अगले दिन सुबह सुमंत तैयार हैं, और वहां वशिष्ठ सारी सामग्रियों को जमा करते हुए राजा दशरथ के पास आ रहे हैं।
और राजा दशरथ को अपने भवन में न पाते हुए पूछ रहे थे कहाँ गए। तो देखा कि वो रानी के भवन में, कैके रानी के भवन में, तो वहां तुरंत चले गए और वहां जाके उन्होंने देखा सीन तो कुछ और ही था। राजा मूर्छित पड़े हुए हैं सोफा पे और रानी एकदम तिलमिला के बैठी हुई है। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो तकलीफ है क्या, ये मुहूर्त आ चुका था, राजाभिषेक का मुहूर्त आ चुका था, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा आ चुका था, उस मुहूर्त पे राजाभिषेक करना था उसका। तब कैके ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं है, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, रात भर सोए नहीं ना, वो खुशी के मारे सोए नहीं कि पुत्र का राजाभिषेक होने वाला है, तो रात भर खुशी के मारे सोए नहीं है, तो आप एक काम करो जाके रामचंद्र जी को लेके आओ। वशिष्ठ मुनि और सुमन जाके रामचंद्र जी को लेने गए। रामचंद्र जी और सीता मैया, जैसे दशरथ महाराज ने पहले दिन रात को कह दिया था, वो रात भर एक उपवास या एक टाइप ऑफ तपस्या यू डू ऑन द डे बिफोर द राजाभिषेक, उस दिन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना पड़ता है, उस दिन रात को भोजन नहीं खाना चाहिए, काफी सारी चीजें हैं शास्त्र में वो निभा रहे। उस वक्त रामचंद्र जी आए लक्ष्मण के साथ और सीधा कैके के भवन में गए और वहां देखा राम दशरथ महाराज उनके पिता मूर्छित पड़े हुए हैं, गए दशरथ महाराज के पास। दशरथ महाराज राम राम करते हुए अपने कॉन्शियस में आ रहे हैं और वापस मूर्छित होकर पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। रामचंद्र जी को समझ में नहीं आया, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा क्या है पिताजी, क्या बात। पिताजी कुछ गम के मारे कुछ कह नहीं सकते। तब कैके ने कूद के कहा कुछ नहीं, उन्होंने एक वादा किया था मुझसे, बस आज वो पूरा करना है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं वादा पूरा करूंगा, तो तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी वादा पूरा करें। तो रामचंद्र जी कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि पिताजी अपने वादा पूरा करें। तब कैके कहती है हाँ मैंने दो वर मांगे, उन्होंने दो वर दिए थे मुझे, आज मैं वो दो वर मांग रही हूँ। पहला वर ये है कि तुम्हारा नहीं मेरा पुत्र भरत का राजाभिषेक होगा, और दूसरा वर ये है कि आपको 14 साल के लिए वनवास में जाना होगा, और वो भी कैसे, बाय वेयरिंग बार्क ड्रेस। इसका हिंदी अनुवाद मुझे पता नहीं, बार्क ड्रेस, जंगल में जाते वक्त। What is bark dust? By the way, many of the English people speaking people also don't know bark dust किते कहते हैं। आप लोग ने जूट को देखा है, जूट, जूट कैसे बनता है किसी को पता है? जूट मतलब जिससे बारदान बनती थी ना, पहले जमाने में गहू चावल की कूनी बैग आती थी जो जूट से बनती थी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? What is it called? जूट। Somebody can Google and see, jute in Hindi. प्रभु जी जूट को हिंदी में जिससे बोरी बनाते हैं ना, हाँ, वो मटेरियल बाद बारदान इज फॉर गोनी ना, सर गनी बैग राइट जी। But I want, what is the name for jute? What is it? Rassi. Patsan. Hemp. Matsan. Patsan. Patsan is the word I know, but I'm not sure ki jute ko patsan kehte hain, I'm not sure. ऑनलाइन ही लिखा हुआ है खाली। अच्छा रस्सी कहते हैं, रस्सी ना उन्होंने रस्सी को, तो रस्सी तो वो चीज है, मगर किस चीज से बन रही है वो चीज को क्या कहते हैं?
जैसे हम लोग कॉटन की रस्सी कहते हैं ना, कपास की रस्सी कहते हैं, वैसा जूट को क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं हिंदी में, जो भी हो अभी आप लोग समझ तो गए हैं जूट कैसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। यस, एवरीवन कैन म्यूट देमसेल्फ्स। तो द पॉइंट इज ही टोल्ड दैट ही हैज टू गो इन द फॉरेस्ट वेयरिंग बार्क ड्रेस। और एक चीज भी कहा उन्होंने कि उनको साधु जैसा जीवन करना है, यानी कि कंदमूल और फल फूल पे आहार करना है, खाना पका के नहीं खा सकते हैं जंगल। मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिया था कि 14 साल बाद भी वो रिटर्न आएगा ही नहीं। एक तो 14 साल तक वन में रहेंगे तो कोई ना कोई जब प्राणी खा लेगा उसको, अगर और ऐसी परिस्थिति ऐसी कहते ना कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप प्राण छोड़ देगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला क्यों, आपको संदेह क्यों हो रहा है, क्या मैं आपके बात नहीं मानूंगा क्या, मैं तो खुशी से जाने को तैयार हूँ। रामचंद्र जी वो स्माइलिंग, तब आचार्यगण कहते हैं रामचंद्र जी का स्माइल के पीछे कारण क्या है, कहते हैं अरे वाह, जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ इस धरती पे वो अब सिद्ध होने वाला है। यहाँ अयोध्या में बैठे तो मैं सारे राक्षसों को मार नहीं सकूंगा ना, और मेरे जो भक्त खड़े हैं दूर दूर बैठे हुए हैं मेरे भक्त, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो षडभंग ऋषि हो, बड़े बड़े ऋषि उनका राह देख रहे थे। बोले कि सारे भक्तों को मिलने का इससे बढ़िया अवसर कहाँ मिलने वाला है। उन्होंने तुरंत हाँ बोले, अगर वहां दशरथ महाराज जी की हालत बहुत खराब, धीरे 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 करके दशरथ महाराज कुछ होश में आने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज म्यूट, दशरथ महाराज होश में आने की कोशिश कर रहे थे बट दम के मारे मूर्छित पड़े। कुछ नहीं कहा उन्होंने, जो भी कहा कैकेयी ने कहा। रामचंद्र ने कहा मैं अभी खुशी से अभी वन चले जाऊंगा, अभी आप लोगों को दूतों को भेजिए और भरत को वहां से बुलाइए और उसका राज्याभिषेक कराइए, तुरंत निकलता हूं। ऐसा कहते हुए वो पहले गए अपनी माँ कौशल्या के कक्ष में और कौशल्या माता को कहा। कौशल्या माता खुश बैठी थी, आज मेरे बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है, कैसा रहेगा एक माँ को अपना बेटा का राज्याभिषेक होने वाला है तो माँ तो खुश होगी। मगर जब रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं मेरा नहीं भरत का राज्याभिषेक होने वाला है और मुझे 14 साल के लिए वन में जाना है, वो भी बेहोश होके गिर गई। जब होश आया उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती हूं कि तू वन में जाए। सी द नेचर ऑफ कौशल्या, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मेरा बेटा का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है या मेरा बेटे को वो पदवी नहीं मिलने वाली है, उसको गम नहीं था। मगर माँ का प्यार, वो नहीं चाहती थी कि बेटा उसका जंगल में जाए। बोला जंगल में मत जाना, मैं तुरंत प्राण छोड़ दूंगी। तब रामचंद्र जी ने क्या कहा कि मुझे अपने पिताजी का वादा निभाना है, उनको झूठा सिद्ध नहीं करना है, उनको मुझे झूठा सिद्ध नहीं करना है। जब ये बात हो रही थी तब लक्ष्मण फूट पड़ा। तब तक लक्ष्मण चुप बैठा था पर तब लक्ष्मण गुस्सा आ गया, तुरंत बोला भैया क्या तुम एक नपुंसक बन गए हो, क्या तुम एक क्षत्रिय नहीं हो, आपको कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा कि आपका ही राज्याभिषेक हो, इसके लिए जरूरत पड़े तो पूरी अयोध्या के लोगों को मैं मार दूंगा। बलराम जी है ना भाई, लक्ष्मण जी तो बलराम जी के अवतार हैं, उनको तो तुरंत गुस्सा आ गया, न्याय सह नहीं हो रहा था। तब रामचंद्र जी ने वापस यही कहा क्या तू चाहता है कि मेरे पिताजी का वचन झूठा पड़े, तू तो अभी जाके पिताजी को बंदी बनाने को तैयार है। हाँ पूरे पूरी कोई भी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता तेरे, तू अगर तू खड़ा है तो मेरे सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता, मगर फिर भी मुझे अपने पिताजी का वचन पूरा कर। और सारा तो बातचीत के दौरान कहीं भी उनके चेहरे में थोड़ा सा भी दुख या गम नहीं था, वही खुशी थी वही आनंद था उनके चेहरे।
खुशी क्यों सी थी, किस चीज की खुशी थी उनके पास? अरे भाई जाके अपने भक्तों से मिलने वाले हैं, इसके लिए वो तीव्र थे, इसके लिए वो खुश थे। अरे भाई मेरे सारे भक्त खड़े हैं, उनको भी मिलने जाने वाला हूँ, इससे बढ़िया मौका कौन सा होने वाला। तो किसी भी तरह माता कैकेयी कौशल्या को उन्होंने समझाया और फिर वहां से गए वो सीता माता के कक्ष में और जाके सीता माता को कहा, देखो अचानक उसने जब देखा अपने पति को उतना खुश नहीं थे, उन्होंने बोला क्या हुआ, मुझे आप इतने उच्चित क्यों लग रहे हो, मतलब एक डल क्यों लग रहे हो, आप ब्राइट नहीं लग रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं, अगर तुम यहां रह के मेरी माँ मेरे पिताजी और मेरे भाई का सेवा करना। जैसे सीता मैया ने सुना बहुत जोर से रोने लगी। सीता मैया क्यों रो रही थी, उसका पति का राज्याभिषेक नहीं हो रहा था, इसके लिए रो रही थी। मेनी पीपल थिंक लाइक दैट, नो शी कुड नॉट एक्सेप्ट दैट लॉर्ड रामचंद्र जी से उनका वियोग होगा, सेपरेशन होगा। मैं भी चल रही हूं आपके साथ वन में, तो रामचंद्र जी ने कहा मेरे साथ कहां बनाओगी, वहां पे ऐसे मुलायम गद्दे नहीं रहेंगे। अरे सीता मैया तो दिन पहले दिन से राजकुमारी थी, वो तो मुलायम गद्दे में सोने की आदत है, वहां पत्थरों में कहां से सोएगी। रामचंद्र जी ने कहा वहां मालूम पता है तुझे, वहां इतने जंगली जानवर जो हमेशा मारने के लिए बैठे हुए हैं, वो सब जानवर पड़े हुए हैं, और तुम वहां आके कैसे जीवन निभा पाओगी, और वो भी कंदमूल फल फूल खाना है, कोई रोटी सब्जी बना के खाना नहीं अपने को वहां। तब सीता मैया ने और जोर से रोने लगी और कहने लगी, आप हो तो मुझे इन सब जानवरों से और किसी राक्षस से मुझे डर क्यों है, आप हो ना मुझे बचाने के, मैं आऊंगी आपके साथ। रामचंद्र जी ने फिर भी मानने को तैयार नहीं। तब सीता मैया ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र मतलब तो अक्सर लेडीज कहते रहते, क्या मेरे पिताजी ने एक नपुंसक से मेरी शादी कर दी क्या, मेरे पिताजी ने तो मुझे कहा कि आप बड़े शूरवीर हो, इसके लिए मैंने आपसे शादी की, शायद मेरे पिताजी को पता नहीं था सबसे बड़े डरपोक आप ही हो। और वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, She got married to Ramchandra ji before she attained puberty. It's a very important point. I don't know what is in Hindi. I don't know. You all translated yourself. The point is, when Sita Maya got married, she had not even attained her puberty. That means it was from the day one, her mind, her heart, everything she had given to only one person, Ramchandra ji. That means she was a chaste person, पतिव्रता नारी। हाँ, chaste person को पतिव्रता नारी थी, तो एक क्षण के लिए भी अपने पति से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक बार छोटी सी साइड कहानी, एक कथावाचक कथा सुनाने वाला मेरे जैसे, तो देखता था गांव में जब भी कथा ले रहा है कोई आता नहीं कथा सुन, बहुत दुखी था, बहुत कोई कम चुने गिने चुने लोग आते थे। उसमें से एक अच्छा व्यक्ति था, हमेशा उसको कहता था भाई आ जाना कथा में, कहाँ मैं आऊँगा, बस थोड़ा दिन बाद आता हूँ, बस अभी अभी ब्याह हुई है, अब थोड़े बच्चे हुए हैं, बच्चे थोड़ा बड़ा होने दो फिर आता हूँ करके टालता जाता। तो एक दिन उसको आइडिया सूझा, चलो उसको मैं थोड़ा डरा के देखता हूँ समझा। तो उसने एकदम अपना मेकअप किया यमराज की तरह, और गांव में तो भैंसों की कमी नहीं है, भैंसे पे बैठ के चला गया उसके घर पे। तो वो व्यक्ति देख के डर गया, आप कौन आए हो करके हंसा और बोला, क्या तुझे मुझे पहचानता नहीं, यमराज हूं, चल स्वयं तुझे लेने आया हूं।
ऐसे ही चलता है या तुझे मार मार के लेके जाऊं? अभी ना जल्दी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, वो सब मुझे पता नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है तेरा काल पूरा हो चुका है तो चलना पड़ेगा। हाँ, एक कंडीशन पे छोड़ सकते। कौन से कंडीशन पे? अगर तुम्हारे एवज में कोई और आने को तैयार है तो मैं छोड़ सकता। बोला अच्छा अच्छा ठुकुर को दो मिनट में घर वालों, मेरे घर वाले काफी हैं, सब आएंगे आपके साथ। गया अंदर, जाके माँ को पूछा, माँ तेरी तो उम्र हो गई है। तो बोलते हैं ना, तेरी मेरे बेटे की सारी बलाएं मेरे ऊपर आ जाए, सारी बलाएं मेरे ऊपर आ जाए, अब वो वक्त आ गया है, सारी बलाएं तुझे से अपने सिर पे लेने का वक्त आ गया है। यमराज खड़े हैं वहां पे लेके आने, लेके जाने के लिए। वो बोल रहे मेरे एवज में किसी और को भेज दे तो तू चली जा। माँ ने बोला ठीक है, तेरी बलाएं मेरे ऊपर आए पर मैं कैसे जा सकती हूँ, अभी भी अब तक मेरे पति जिंदा है, उनका सेवा करना पड़ेगा, अगर मैं मर गई तो तेरी बहू तो मेरे पति को एक एक रोटी भी नहीं खिलाएगी, बड़ी जालिम है बहू, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोला ठीक है। आने यहाँ तक बेटे ने यहाँ तक बोला, देखो तू हमेशा कहती है मैं क्या बोलते हैं वो पति जिंदा रहते हुए, व्हाट इज दैट वर्ड, सुहागन बन के मरना चाहती हूँ, विधवा होके नहीं मरना चाहती हूँ, सुहागन बन के मरना चाहती हूँ। अब आ गया है वक्त, चांस तू सुहागन भी है। आने ना बोलो, फिर गया पिता के पास। पिता ने बोला अरे ऐसे कैसे मैं चलूं, पूरा घर बाकी है, धंधा देखना है, खेती बाड़ी देखनी है, वो सब कौन देखेगा, मैं नहीं आ सकता। गया पत्नी के पास, देख तूने वचन दिया है मुझे, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, अब वक्त आ गया है, तू भी तो कहती है हमेशा मैं सुहागन मरूं सुहागन मरूं, अब चांस है, चल सुहागन मरने के लिए चांस है, आ जा। पत्नी बोले ऐसे कैसे, मैं बच्चों को संभालूंगी क्या, तुम्हारे साथ जाऊंगी, वाह तू तो चाहते है कि तुम मैं मर जाऊं, दूसरी शादी करोगी, दूसरी बीवी लाओगे और आराम से रहोगे, मैं नहीं मरूंगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा प्लान क्या है। तो एंड में परेशान होके बाहर आया, बोला यमराज जी चलिए मैं ही चलता हूँ, कोई चलने को तैयार नहीं। तब जोर से एक चाटा मारा उस कथावाचक ने, बोला देख मैं तो वही कथावाचक हूँ, यमराज नहीं हूँ, तुझे समझाने आया हूँ कि भाई जब वक्त बुरा होता ना कोई इस तरह साथ नहीं देंगे, तो अब अपने आप आ और कथा सुन, बुरे वक्त में एक ही भगवान ही काम में आएंगे। तो इस कथा का यहां बोलने का मेरा मतलब ये था कि पत्नी का एक्चुअल धर्म, व्हेनेवर हस्बैंड इज इन डिस्ट्रेस पति के साथ रहना, ना कि जस्ट इमेजिन अगर यही सिचुएशन आज के जमाने में होता, लड़के को पिता ने घर के बाहर निकाल दिया, पत्नी क्या बोलेगी, हाँ चलिए मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, नहीं बोलेगे अभी वकील को बुलाती हूँ, अभी कागजात बनाती हूँ, अभी उसके ऊपर केस फाइल करती हूँ, सो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। सो यहाँ व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंटायर रामायण और द एंटायर राम कथा, कि एवरीवन हैज प्लेड द रोल परफेक्टली, सब लोग ने अपना कार्य बहुत खूबी से निभाया, चाहे वो दशरथ महाराज हो या रामचंद्र जी हो या सीता मैया हो या लक्ष्मण जी हो, एवरीवन हैज प्लेड द रोल परफेक्टली। और इससे हमको ये सीख लेनी है कि हमको भी हमारा कर्तव्य हमारा धर्म सही एकदम सही तरीके से मिले। जब सीता मैया ने ये कहा कि मेरे पिता ने एक नपुंसक के साथ मेरी शादी कर दी जो डरता है अपने पति को पत्नी को संभालने के लिए, तब रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि भाई ये तो मानने वाली नहीं है, इसको तो लेके जाना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी कहते हैं चल ठीक है, और उसके पहले एक काम करो, तुम्हारे जितने भी दागिना गहने जो भी हैं, तुम्हारे पास जो भी धन है सब बांट दो, लेके आओ, सब बांट देंगे। इतने में लक्ष्मण लक्ष्मण की तरफ देख के कहता है रामचंद्र जी, लक्ष्मण एक काम करो, अब तुम यहाँ पे रह के पिताजी को संभालना, और देख मैं भी नहीं हूं यहाँ पे, क्या क्लेवर आइडिया देते हैं, मतलब बहुत
अच्छा आइडिया देते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मी, अगर मैं भी नहीं हूं, अगर भरत कल राजा बन जाएगा तो शायद कैकेयी काफी जुल्म करेगी मेरी माँ के ऊपर, तू यहां रह के उसकी रक्षा कर। अब लक्ष्मण कहता है वाह मैं यहाँ रह के किसी की रक्षा नहीं करूंगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भरत को मैं राजा बनने दूंगा ही नहीं, और रही बात अगर तुमको जाना है वन में तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, और वो भी कैसे, आगे मैं रहूंगा, आगे मैं रहूंगा हाथ में धनुष बाण लेके, ताकि कोई भी अगर आपत्ति आने वाली हो या कोई भी जंगली हुंकार जंगली जानवर आने वाला हो तो मैं उसको मार दूंगा, और पीछे आप और सीता माता खुशी से आराम से आओ, मैं आगे चलूंगा, आगे आगे चलूंगा, कोई भी अगर खतरा हो तो मैं निपट लूंगा उस खतरे से। तो देखा कि लक्ष्मण भी मानने वाला नहीं है, तभी वापस कहता है लक्ष्मण एक बार सोच लो भैया, बोलो तो अभी मैं राजा को बंदी बना लेता हूँ और पूरे राज्य को मैं बंदी बना लेता हूँ और आपको राजा बना देता हूँ। तब रामचंद्र जी समझ जाते हैं बेहतर है मेरे साथ ही लेके जाऊं उसको, कहता है और एक लास्ट में कहता है मैं आपके लिए जंगल से कंदमूल फल फूल इकट्ठा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा रात भर, और रात भर बैठ के जागूंगा कि कोई जानवर आके आपके आपको या आपके सीता माता को ऊपर हमला ना करे। तब रामचंद्र जी सोच रहे थे कि ये तो एकदम निष्ठावान लड़का है, इसको लेके ही जाना होगा। बोलता ठीक है पहले जाके माँ से परवानगी लेना, माँ से आशीर्वाद लेना अपनी माँ से, और फिर तब सीता मैया और रामचंद्र जी दोनों कक्ष के बाहर आते हैं, पूरा अयोध्या में माहौल गम का छाया हुआ है, सब लोग रो रहे हैं कि सबका प्रिय था चंद्र जी, और राम और सीता दोनों जाते हैं दशरथ महाराज के। दशरथ महाराज जैसे देखते हैं रामचंद्र जी को कहते हैं राम राम मत जा, एक दिन के लिए रुक जा, कहते हैं तो रामचंद्र जी कहते हैं मैं एक दिन भी नहीं चाहता हूं कि आपका वचन खोटा हो जाए, आपने कौशल्या माता सॉरी कैकेयी माता को जो वचन दिया है उसको पूरा करने के लिए मैं अभी निकलने वाला। तब राजा दशरथ अपने मंत्रियों को आवाज देते एक काम करो 2000 दासियां तैयार करो, हाथी पालकी घोड़ा सब कुछ, और सब लेके जाओ राजा के, जैसे एक राजा जाए जंगल में वैसा जाओ, और वहां जंगल में जाके एक बढ़िया सा एक तंबू गाड़ के वहां उसकी सुरक्षा करो सब, मतलब राजसीय ठाटपाट के साथ। तब कहके कहती है नहीं नहीं मैंने कहा था उसको तो जंगल के कपड़े यानी कि बार्क ड्रेस पहन के जाना होगा और वहां पे एक साधु की तरह जीवन निर्वाह करना होगा, यू नो ही हैड टू क्या कहते हैं बाल को उन्होंने केश को उन्होंने पेड़ के एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्री उससे उस बाल को उन्होंने साधु की तरह उन्होंने जटाधारी बाल कर दिए रामचंद्र जी, मतलब अच्छे केश भी नहीं रखना, ऐसे जीवन निर्वाह करने के लिए भेजा है, मैंने थोड़ी बोला है कि उसको पूरा राज्य राजसीय ठाटबाट के साथ। तब सुमंत को बहुत गुस्सा आता है, सुमंत खास था क्योंकि वो उनका घर का साथ बहुत करीबी था, सुमंत को इतना गुस्सा आता है डांटने लगते हैं कहीं तो तू कैसी औरत है, तुझे पता है रामचंद्र जी जैसे जाएंगे ना इस राज्य के जितने भी ब्राह्मण हैं वो भी उसके पीछे पीछे बाहर चले जाएंगे, और जब वो लोग चले जाएंगे ना यहां से पायटी पायसनेस हिंदी में कहते इस देश में पायटी विल गो अवे फ्रॉम दिस कंट्री एंड पूरा राज्य एक वीरान जंगल जैसा बन जाए, यहां तक कहते हैं सिर्फ तू और भरत बैठे रहना यहाँ पे, देशवासी भी यहां से चले जाएंगे, बस इस भूतिया शहर के ऊपर राज करना तो तेरा बेटा। तब
वशिष्ठ कहते हैं उसको कि तू है ना तेरी माँ की तरह है, तेरे वजह से तेरा पति मर रहा है मगर तुझे उसको पड़ी नहीं है क्या। और वो दशरथ महाराज जी को देख के एक पूर्व कहानी बताते जो घटी थी। कैकेयी के पिताजी कैकेया को एक ऋषि ने एक वर दिया था। कैसा वर? जिससे वो पशु पक्षियों खासकर पक्षियों का आवाज सुन के वो क्या बोली बोल रहे हैं वो समझ सके। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर स्पीकिंग। तो उन्होंने एक कंडीशन लगाया था, उन्होंने किसी को बताना मत पक्षियों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, कभी कोई पूछे तो बताना मत। तो कहते हैं ठीक है। एक दिन ऐसे महल में खड़े थे और दो पक्षियों के बीच में संवाद हो रहा था, टिपिकल हस्बैंड वाइफ चीज, और सुनकर जोर से हंसने लगे राजा के कह। डोंट वरी, उस जमाने से यही प्रॉब्लम है, अगर जब भी पति अकेले में हंसे ना तो पत्नी पहले पूछे क्यों हंस रहे हो भाई, आप खुश कैसे हो। मैं यहाँ पे ग्रुप में कम जेंट्स कम है, लेडीज ज्यादा है इसके लिए। सो अ मैन कैन नेवर स्माइल ऑफ हिज ओन, देन योर द वाइफ विल इमीडिएटली कम एंड आस्क व्हाई आर यू स्माइलिंग, व्हाई आर यू लाफिंग। तो इमीडिएटली उनकी पत्नी यानी कि कैकेयी की माँ ने उनको पूछा, बताओ आप क्यों हंस रहे हो। तब कैकेयी देश का राजा ने बोला, देखो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ऋषि ने बोला अगर मैं बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये वर तो जरूर मिला है मगर वर के साथ एक कंडीशन लगा हुआ है, क्या? अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा। तब पत्नी बोलती है, तुम चाहे मर भी जाओ तो भी ठीक है, मुझे बताओ क्या बातचीत, आप किसके लिए हंसे। तब कहके राजा तुरंत निकले और अब उस ऋषि मुनि के पास गए और ऋषि मुनि को पूछा कि क्या मेरी पत्नी ऐसे कह रही है, तुम मरोगे तो भी चलेगा मगर आप मुझे क्या बातचीत हुई बताओ। तो पूरा दृष्टांत दिया उधर। तब ऋषि ने उसको कहा, मत बताना और अपनी पत्नी को डांटना। सी रामायण या राम कथा में हर मोड़ में हम जैसे आम व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। When a lady crosses her limits, it is the duty of the husband to control his wife. See, one place we are seeing Ramchandra ji taking Sita Maiya to the forest, and one place we are seeing how Kaikeya had to come and ask the Rishi, and what did the Rishi say? जाके कहो उस तुम्हारी पत्नी से कि मैं नहीं बताऊंगा और उसको डांटना उस चीज के। तो वक्त आने पे पत्नी को डांटना चाहिए मगर कभी हाथ नहीं उठाना, मगर उसको डांटना या उसको सुधारना चाहिए। डांटना, अगर कोई माँ बच्चे को डांटती है तो कोई खुशी तो होती नहीं है माँ को डांटने में, मगर डांटती इसके लिए है कि ताकि वो व्यक्ति सुधर जाए, कुछ गलत कर रहा हो तो सुधर जाए। जैसे ये सुनाते हैं तब कहते हैं दशरथ महाराज को, आप भी इसी तरह इस आपके वचन से मुकर जाइए और उसको डांटिए। पर रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं नहीं मैं अपने पिताजी का वचन को अब पूरा करके ही रहूं। तब विश्वामित्र मुनि बहुत रोते हैं, सुमंत भी बहुत रोता है। उस वक्त रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं, जाओ दो धनुष राजा, सॉरी
वरुण देवता ने राजा जनक को दिया, यानी कि उसके ससुर को दिया, और उसके ससुर यहाँ लेके आए थे दो धनुष, रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को दिया था वो धनुष जो वरुण देवता ने जनक महाराज को दिया। तो वो दोनों लेके आओ, दो अच्छे तलवार लेके आओ और दो क्विवर्स, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन हिंदी क्विवर्स, यहाँ पे बाण रखते हैं ना, जिसमें बाण रखते हैं आपको तो तर्कश बोलते हैं, तर्कश, कर्कश, दो कर्कश हैं और वो दो कर्कश का स्पेशलिटी क्या है, उसमें बाण कभी खत्म नहीं होंगे, वो आते रहेंगे, बाण आते रहेंगे, लाखों करोड़ों बाण, जैसे बाण चलेगा दूसरा नया बाण उसमें आ जाएगा, मतलब उनको अम्युनिशंस की कमी नहीं पड़ेगी। और वो जो धनुष थे, दो स्पेशल धनुष जो वरुण देवता ने जनक महाराज को दिए, जो कहते हैं ना ससुर का धन कभी ना कभी काम में आता है, ऐसे वक्त पे काम आता है, ऐसे मौके पे काम आता है। देखिए इतने में पूरे सोने चांदी का एक पूरा बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, उतना धन था सीता मैया और रामचंद्र जी के पास, और सब जितने भी नौकर थे उनके, परिकर जो भी थे सेवा करने वाले, सबको उन्होंने जितना चाहे ले जाओ, कोई खुशी से लेने जाने को तैयार नहीं था, कि सबको रामचंद्र जी प्रिय थे, सीता मैया प्रिय थी, बाकी धन, फिर भी उन्होंने सब लोगों में बांट दिया। तब एक मुनि, एक ब्राह्मण इन द नेम ऑफ त्रिजटा आया वहां पे, उसकी पत्नी ने बोला जाओ हम लोग बहुत गरीब हालत में हैं, तो आप जाके कुछ रामचंद्र जी बांट रहे हैं, धन डांट रहे हैं, तो अपने लिए कुछ धन लेके आओ, तब घर चलेगा। तो जब उस ब्राह्मण को देखा, रामचंद्र जी मुस्कुराए और कहे एक काम करो, तुम्हारे हाथ में जो दंड है ना, उस दंड को इतने कस के फेंकना, दूर फेंकना, कि उतने दूर तक का जितनी भी गायें होंगी वो सब तुम्हारी। तो जैसे ब्राह्मण को कहा गया, ब्राह्मण ने अपना धोती कसा, अपना शर्ट कसा और जोर से, पूरे जोर से उसने दंड फेंक। कहते हैं सरयू पार जाके, कुछ गायों के पार जाके गिरा। इसका पीछे का मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण चाहे ना आप ताकत दिखा सकते, तो रामचंद्र जी इसके लिए कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं आप नाराज ना हो मुनि, सॉरी ब्राह्मण, याद रखना मैं सिर्फ ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि आपका ब्रह्म बल कितना है। ब्राह्मण तो था एकदम टुकड़ा कड़का सा, मगर उसने बड़े जोर से बड़े दूर फेंका था उसने दंड। तो इस तरह सबको बांटते हुए रामचंद्र जी वन के लिए निकले। अब जैसे बाहर निकलने के सोच रहे थे, कई कई वहां भाग के आई, बोला मैंने बोला था ना आपको क्या पहनना है, वस्त्र पहनना है, कौन सा वस्त्र, बार्क बार्क ड्रेस। तो उन्होंने उस ड्रेस रेडी बना के रखा था, वो रामचंद्र जी को दिया पहनने के, सीता मैया को भी उसने वो ड्रेस दिया। सीता मैया ने पहन तो लिया, जो हमेशा बड़े राजसी राजा की बेटी थी और राजा की पत्नी, तो कैसे आभूषण और कैसे कपड़े पहनती होगी वो, तब सिर्फ सिल्क के कपड़े बोलते हैं, रेशमी कपड़े पहनती थी, और अब उसको ये ड्रेस पहन ही नहीं पा रही, बहुत मुश्किल हो रहा था उसको फिट, मतलब साड़ी ठीक से बैठ नहीं रहता उसको। तब वशिष्ठ मुनि को बहुत गुस्सा आता है और बहुत चिल्लाता है और कहता है कि ये साड़ी क्या तेरे बाप का माल है, लिटरली यूजेस दैट वर्ड, ये तो अपने पिता के घर से लाई है, इसको ये पहन के जाने देना, वनवास तो रामचंद्र जी का कहा था ना, तूने सीता का ही तो नहीं कहा था, सीता के लिए ये ड्रेस पहनना जरूरी नहीं था ना, सीता को क्यों पहना रही है ड्रेस। बट फिर भी सीता मैया अपने पति को देखते हुए वही ड्रेस पहनते हुए
बाहर जाती है। जब राम में चलते हैं सुमंत्र ने अपना रथ, उन्होंने रामचंद्र कहते हैं सुमंत्र रथ लेके आओ, तो रामचंद्र जी रथ पे बैठते हैं, सीता मैया भी रथ में बैठती है और सुमंत्र उस रथ को हाँकने लगे। तो सारे लोग, शहर के लोग देखने आ गए, सारे लोग रो रहे हैं। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि अब हम रामचंद्र जी के साथ हम भी वन में चले जाएंगे, जहां रामचंद्र जी रहेंगे हम वहीं रहेंगे, हम इस कैके के साथ नहीं रहेंगे, रहने दे उस कैके को अकेला अपने बेटे के साथ इस देश। बहुत सारे देशवासी, अयोध्या वासी बस उस रथ के पीछे पीछे चलते। जब रथ जोर से जाने लगा तब सारे देशवासी भागने लगे, तो रामचंद्र जी ने कहा रहने दो, धीमे चलाओ, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने अयोध्या वासियों को तकलीफ हो। सब लोग ने अपना वो बोरिया बिस्तरा लेके, जो भी था सामग्री लेके, अपने में लपेट के चले। कहते हैं सीता मैया के आंख में से आंसू जा रहे, कहते हैं जिनका दर्शन कोई कर नहीं सकता था, सीता मैया कुड नॉट बी सीन इजीली इन द किंगडम, आज छोटा से छोटा व्यक्ति उस राज्य का सीता मैया का दर्शन कर रहा है। व्हाट अ प्लाइट शी हैड टू अंडरगो। याद रखना, जब ये सारी परिस्थितियां हुई तो रामचंद्र जी हमको क्या सीख देना चाहते। याद रखना, भगवान कह चुके हैं भगवद गीता में, दिस इज दुखालयम अशाश्वतम, ये धरती में सिर्फ और सिर्फ दुख है, हम सब सुख का खोज करते हुए बैठे हुए। कोई बढ़िया खाना खा के सोचता है यही सुख है, कोई बढ़िया कपड़ा पहन के सोचता है यही सुख है, कोई बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, बढ़िया बंगले यही लेके हुए सोच रहा है कि वो खुश है। एक्चुअली वो खुश नहीं, दूसरे का जलन देखते हुए वो खुश है। जब कोई और आप पे ईर्ष्या करता है, अरे वाह इसके पास में तो दो दो घर है, चार चार गाड़ियां हैं, और वो ईर्ष्या करता है, उसमें हम आनंद ढूंढते हैं, बट हालांकि वो असली आनंद नहीं है। इस धरती पे अगर भगवान भी आ गए ना, तो उन भी मनुष्य रूप में आ गए, रामचंद्र जी तो मनुष्य रूप में आए थे, उनको भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द ही हो। बस ये भगवान ने कह चुके हैं इस दुखालयम, बताइए कौन सा व्यक्ति यहाँ सुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई मन दुखी, दुख सबको है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, और कम ज्यादा की मात्रा कैसे लगा सकते हैं हम। कहते हैं ना अगर बच्चा चलते चलते मट्टी में गिर जाए तो उसको जो दर्द होता है वो शायद एक बड़ा व्यक्ति गिरने के बाद भी उसको लगने के बाद भी उतना दर्द नहीं होगा जितना छोटे बच्चे के लिए होगा। तो ये मात्रा जो आप हम लगाते हैं ना, किसी को कम किसी को ज्यादा, ये हमारे हिसाब से हम लगाते हैं, पर दुख सबको बराबर का है, तरीका अलग। कई लोगों के पास पैसा है और उनके दुख का कारण ही उनका पैसा है, क्यों? उनको हमेशा डर रहता है कोई ना कोई उनका पैसा छीन लेगा, कोई ना कोई उनके पैसे ऊपर अपना रोब अपना हक जमाए लेगा। तो अगर दुख ढूंढने जाओ तो इस धरती पे कोई अंत ही नहीं है दुख। ऐसी ऐसी बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, ऐसी ऐसी पीड़ाओं से ग्रस्त हैं, नो एंड टू इट। तो लॉर्ड रामचंद्र जी इज जस्ट ट्राइंग टू शो द स्मॉल थिंग, इस धरती पे अगर भगवान भी मनुष्य रूप में आते हैं ना तो उनको दुख सहना पड़ेगा। कहते हैं ना अगर भगवान चाहे हमको इस दुख से निवृत्त कर सकते, अगर भगवान चाहने से क्या होगा, आपको भी तो चाहना पड़ेगा। और आपको, आप कैसे चाह सकते हो, आप लोग कैसे दुख से निकल सकते हो, बहुत आसान है, थोड़ा सा भक्ति करना है।
थोड़ा सा भक्ति करना। अगर हम लोग क्या है, इतने जिद्दी लोग है ना, सारे दुख सहने को तैयार है। कहीं ठंडी से कोई व्यक्ति मर रहा है तो कोई कहीं गर्मी से आदमी मर रहा है, कोई खाने के अभाव से कोई मर रहा है तो कोई खा खा के मर रहा है ना। जिसको डायबिटीज हो, जिसको बड़ी बड़ी बीमारियां हो, वो किससे बीमार है? ज्यादा खाने से। किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हार्ट का बीमारी है, ये सब क्या है? और कोई रस्ते में दो दो दिन से खाना नहीं मिलता उसको। अगर हम भक्ति थोड़ा भी कर लेते हैं ना, पर हम लोग नहीं, हम लोग तो जिद्दी आत्मा है, ठान लिया अरे कभी ना कभी तो मिलेगा, आज नहीं थोड़ा बड़ा होने के बाद मिलेगा, थोड़े दिन के बाद मिलेगा। हर बच्चा स्कूल में रहता है, सोचता है बस कॉलेज में आऊंगा, बस जिंदगी ठाट के रहेगी। कॉलेज में आया हुआ बच्चा ये सोचता है अरे बस अभी ग्रेजुएट हो जाऊंगा ना, जीवन बड़ी ठाट की चलेगी, एकदम आराम से रहेंगे, एकदम मजे से। जो पास हो जाता है, नौकरी ढूंढता है, वो बंदा भी बहुत दुखी है। क्यों? अरे नौकरी मिल नहीं रही है ढंग से। चलो मिल गई नौकरी, मिल भी गई तो हम जीवन का अगला पड़ाव, चलो शादी करते हैं, और जीवन में एक जीवन साथी आ जाता है। अब सोचें अरे अब तो मजे हैं यार, नौकरी भी है, छोकरी भी है, अब तो जीवन बढ़िया चलेगा। अगर इतना बढ़िया होता तो इतने डाइवोर्स के केस फाइल नहीं होते। नो पॉइंट आर वी हैप्पी। हाँ, एक जरूर उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ दिनों बाद हम अच्छे दिन, इसके लिए कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। बट बेवकूफ है वो लोग जो ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोयले के खान में संगे मरमर मिलेगा। कोयले के खान में कितना भी खोदोगे कोयला ही मिलेगा, संगा मरमर नहीं मिलने वाला। यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ मार्बल पीस इन अ कोल माइन। तो रामचंद्र जी के साथ पूरी अयोध्या वासी भी बाहर निकले। निकलते निकलते उस दिन शाम हो गई, वो लोग नदी के तट पे पहुंचे। तो रामचंद्र जी ने सुमन को कहा आज रात को हम यही पड़ाव करते हैं। उधर ही उन्होंने अपना रात को रात बिताने की सोच ली। बड़े मुश्किल से जमीन पे राम और सीता लेटे, लक्ष्मण तभी जाग रहा था और सुमन भी एक कोने पे लेट गया। पूरे अयोध्या वासी भी बस वहीं पे अपना डेरा जमा लिया। अब रामचंद्र जी को एक पता था कि ये अयोध्या वासी तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो मैं क्या करूं, ऐसे इनसे इनको मैं दुख नहीं देना चाहता हूँ, वनवास तो मुझे मिला है, ये क्यों बेचारे वन में जाके तकलीफ उठाए। तब अगले दिन सुबह बहुत जल्दी सारे गांव वाले उठने के पहले, सारे अयोध्या वासी उठने के पहले रामचंद्र जी ने सुमन को कहा एक काम करो, पहले रथ को ऐसे तरीके से चलाओ कि रथ के पहियों के निशान, अगर ये अयोध्या वासी पीछे से हमारे पीछे आएंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और मेरे पीछे नहीं आ पाएंगे। सुमन वॉज अ वेरी एक्सपर्ट मिनिस्टर और एक्सपर्ट चैरिटर, रथ अच्छा चलाता था, तो उन्होंने रथ को ऐसे गोल गोल करके घुमाया कि लोग अगर उस रथ के पीछे, उसके पहियों के निशान के पीछे भी जाते ना तो पता नहीं चलता कहाँ गए, वापस उसी जगह पे आ जाते। फिर उन्होंने राम और सीता और लक्ष्मण को रथ पे लेके आगे नहीं। थोड़े देर बाद जब अयोध्यावासी उठे, उन्होंने देखा अरे रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता मैया तो निकल गए, रथ तो दिख नहीं रहा है। तो लोग सब ने जाके ढूंढा और सुमंत ने ऐसा रथ चलाया था किसी को पता चला ही नहीं कहाँ गए वो लोग। विलाप करते करते सभी गांव वाले वापस आने लगे। कहते हैं जब गांव वाले वापस आ रहे थे तो कुछ गांव वाले जो नहीं गए थे वो उम्मीद कर रहे थे शायद रामचंद्र जी को मना के लाए, पर जब उन्होंने देखा गांव वाले खाली हाथ आए तो वो लोग भी मायूस होके भागने लगे। दशरथ उसी मार्ग पे अपना आंख लगाकर राम 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 करते हुए बेहोश हो गए।
जब होश आया कैकेयी ने उसको हाथ दिया, बोला उठ जाओ, उठाने लगी, तो उसने कैकेयी को बोला अब से तेरा और मेरा संबंध, तूने तेरे वादे तो जरूर लिए मगर आज से तेरा पति तेरा नहीं रहा। और वो गए कौशल्या के कमरे में, उसके कक्ष में। कौशल्या तो बहुत नाराज तो थी, अगर पति को उस हालत में देख के थोड़ी तो पिघल गई, पर उन्होंने कहा कि आपने जो किया वो सही नहीं किया। तब वो रात को कौशल्या को कहते हैं ये मेरे ही कर्म हैं जो मेरे रास्ते आ रहे हैं। तब वो श्रवण कुमार का कहानी बना। जब वो जवान थे, दशरथ महाराज जब जवान थे, उनकी शादी भी नहीं हुई, तब उनके अंदर एक खास कला थी, he was expert in that। और वो कला कौन सी थी? शब्द भेदी बाण चला सकने। ये शब्द भेदी बाण किसे कहते हैं? जो सिर्फ शब्द सुनकर उस ओर बराबर तीर चला के अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। वो ना देखता ना कुछ देख पाता, सिर्फ शब्द मात्र सुनने से वैसे करता। तो कहते हैं कौशल्या से कहते हैं देखो, जब मैं छोटा था तब एक दिन नदी के किनारे शिकार खेलने गया था, और वहां पे रात के समय देर शाम समय मुझे एक हाथी के पानी पीने की आवाज आई। कला में निपुण था और बहुत जवान था, जवानी का जोश था, सीधा मैंने अपने तुनीर से अपना बाण निकाला और चढ़ा दिया। जोर से आवाज आया, कौन है मुझे मारने, कौन है जिसने मुझे मार दिया। भाग के वहां गया, देखा तो एक ब्राह्मण जमीन पे लेटा हुआ है, खून से लथपथ है, उसके बाण उसके छाती पे घुस के खड़े थे। तब उसको पता चल गया कि क्या बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। जो व्यक्ति जो उसने सोचा था एक हाथी पानी पी रहा है, एक्चुअली एक ब्राह्मण वहां पे नदी में एक गड़े में पानी भर रहा था, जिसकी आवाज भी कुछ कुछ ऐसी आ रही। तब उन्होंने जाके उस ब्राह्मण को बोला मुझसे गलती हो गई, मैं जाने जानबूझ के नहीं किया, मैंने सोचा कि वहां पे कोई हाथी है इसके लिए मैंने बाण चलाया, बट मेरी गलती हो गई। तो कोई बात नहीं है, बट मुझे गम मेरा मरने का नहीं है, मेरे दो अंधे माँ बाप हैं, उनको कौन संभालेगा, इस चीज का मुझे गम। अपने तो श्रवण का कितने लोगों ने श्रवण कुमार का कहानी सुनी है, कंधे पे दो टोकरी लटकी, एक ही बंबू के दो किनारे पे दो टोकरियां लगा के अपने माता पिताओं को लेके घूम रहा था, अपने बूढ़े माँ बाप को जो चलने काबिल भी नहीं थे उनको लेके घूमता। जब उसका ऐसी परिस्थिति हुई तब उसने कहा उस बाण को निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। पर दशरथ को पता था जैसे वो बाण निकालेगा वो मर जाएगा, और मगर जैसे उसने निकाला वो मर भी गया। मरने के पहले उसने कहा था कि मेरे माँ बाप को बहुत प्यास लगी है, कम से कम उनको ये जल तो पिला देना। तो अब दशरथ ने उसी मटके में जल भर के गया, वहां उसके बूढ़े अंधे माँ बाप बैठे हुए थे, और जैसे वो आया माँ बाप ने कहा अरे बड़ा देर लगा है बेटा, लोग प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, जल्दी से जल पिला दे। पर जैसे दशरथ नजदीक आया अंधे माँ बाप समझ गए कि वो उनका बेटा नहीं, तुरंत उसने उसकी माँ ने पूछा कौन है वो, कौन आए हो, कौन हो तो मेरे पुत्र तो नहीं हो। तब दशरथ महाराज ने अंधे माँ बाप को पूरी कहानी सुनाई, कैसे गलती से उसने बाण चलाया हाथी समझकर,
और कैसे उसके बेटे को लग के वो मर गया। जैसे वो सुना, माँ और पिता दोनों बेहोश हो गए, रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा चला हमको हमारे बेटे के पास लेके चलो। तब वो उसके दोनों अंधे माँ बाप को लेके उसके बेटे के पास नदी के किनारे गया। बेटे को हाथ लगा कर दोनों माँ बाप, अंधे माँ बाप रोने लगे। इतने में दशरथ ने वहां पे अग्नि का वहां पे शरीर, वो जो श्रवण कुमार मर गया था उसको जलाना पड़ेगा, वो जलाने के लिए सारी लकड़ियां लगाई और श्रवण कुमार को आग के लकड़े के इकट्ठा लकड़े जो रखे थे उसको और उस वक्त जब माता पिता ने आग लगाया तब उन्होंने दोनों ने श्राप दिया। जिस तरह हम भी हमारे पुत्र के लिए विलाप कर रहे हैं, एक दिन वो भी अपने पुत्र के लिए विलाप करेगा। ऐसे कहकर दोनों अंधे माँ बाप ने उसी अग्नि में अपना प्राण त्याग दिया। कहते हैं कि कर्म, उन्होंने सारी सुना है ना, वेदों में सुना है, भगवद्गीता में सुना है और बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अपना कर्म हमें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़, और हमेशा कर्म की गति बड़ी न्यारी। दशरथ महाराज जैसे महापुरुष, बड़े शूरवीर, क्या कहते हैं, देवताओं के लिए युद्ध लड़ने वाले इतने महान पुरुष, जो रघुकुल में पैदा हुए, इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए, उनके हाथ से भी अगर कोई गलत कार्य हो जाता है तो उनको भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो चाहे वो आप भगवान के ही माँ बाप क्यों ना हो जाएं, तो भी आपको आपके कर्मों का फल भुगतना होगा। इस धरती में जब तक कोई व्यक्ति है, he has to pay the price of his karmas, he has to enjoy or suffer as per his karmas। आखिर में कौशल्या को कहते हैं कि देखो, मैं उसी एक गलत कर्म के वजह से आज पुत्र वियोग से आज मैं मर रहा हूं। वहां पे वो लोग पहुंच जाते हैं नदी के पार, पड़ोस के रथ को लेके हुए दूसरी तरफ से चले जाते हैं। सभी गांव वाले तो वापस आ गए हैं। तब सुमंत को कहते हैं चलो यहाँ पे गुहा, हमारा मित्र गुहा रहता है जो यहाँ का निषादों का राजा है, उसके पास लेके चलो। यहाँ पे रात भर विलाप चल रहा है दशरथ जी का और कौशल्य जी का, और आफ्टर ये ब्राह्मण का कहानी सुनाने के बाद, श्रवण कुमार का कहानी सुनाने के बाद, उन्होंने वो रात को रोते रोते राम का नाम लेते 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 सो गए। सो क्या गए, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। अगले दिन सुबह राजा को उठाने के लिए, राजा को कैसे उठाते हैं, जैसे हमको अलार्म क्लॉक से उठना पड़ता है, और वहां पे राजा को ध्वनि वाद्य से मतलब अच्छे संगीत के साथ उठाया जाता है। तब अगले दिन सुबह सुमंत आए राजा को उठाने के बहाने, और वहां उठाने वाद्य वाद्य बजने लगा। तब अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगी, रोने की आवाजें आने लगी। तब उनको जब अंदर गए तब उन्होंने देखा कि कौशल्या रो रही है कि दशरथ महाराज जोर चुके, अब क्या करें। वहां पे ऑलरेडी गुप्तचर और क्या बोलते संदेश पहुंचा दिया गया है कि भरत और शत्रुघ्न वापस आ जाएं। वहां जैसे शत्रुघ्न के सॉरी भरत और शत्रुघ्न अपने पिता दादा माँ के पिताजी के घर पे थे मामा के साथ, तब उस दिन रात को भरत को बहुत बुरे सपने आने, ऐसे सपने, ऐसे बुरे
Actually, what do you say for omens? Bad omen. अपशगुन. अपशगुन हाँ. रात को अपशगुन दिखने लगे उसको नींद में. और इतने में मैसेंजर्स आ गए थे और उन्हें कहा, तुरंत दोनों पुत्रों को बुलाया गया है. तो दोनों पुत्र तुरंत निकल गए, भरत और शत्रुघ्न. और जितने भी गति से हो, आना तो घोड़ों से ही था, वापस आया. यहाँ पे शत्रुघ्न को वशिष्ठ मुनि ने भेजा था इनको लेके आने को, तो लेके आ रहे थे. कहते हैं कि जब कुछ दूरी थी, बाकी थी, तब और अपशगुन देखे भरत ने, तो उसने बोला अपने भाई के साथ एक रथ लेके जल्दी आगे निकल गया. बोला आप लोग आइए पीछे आराम से, हम लोग आगे जाते हैं. और यहाँ आपके क्या है. और जैसे यहाँ आया, पहले गया कौशल्या के कक्ष, और कौशल्या ने बड़े तीखे शब्दों में कहा, अपना राज्य मांगने आ गया बेटा, अब तो तू बहुत खुश होगा, तुझे तेरा राज्य मिल गया. तब कौशल्या से उसे पता चला कि रामचंद्र जी वनवास चले गए. तब उसको समझ में आया कि पूरे नगर में दुख का मातम का माहौल क्यों था, और उसे पता चला कि उसके पिताजी जर चुके. मंत्रियों ने उनके पिताजी को तेल के एक बड़े से बैट बर्तन बोली लकड़े का बर्तन बनवाया था, एक कब्र बनाई थी, जो भी लकड़े का बनाया था, उसमें तेल डाल के उसमें दशरथ महाराज जी का शरीर को रखा था, ताकि उनका पुत्र आए और उनका अंतिम संस्कार करे. यहाँ पे जैसे उसने सुना, जाके कैकेयी माँ को मिलने, और कैकेयी तो भरत को देख के इतना खुश हो गई, उसके चेहरे पे देख के लग भी नहीं रहा था कि उसका पति गुजर चुका है. बेटा मैंने तो तेरे लिए अपना राज्य मांग लिया, अब पिताजी गुजर गए, अब तू ही राजा बनेगा, वो खुशी से रहना. और मैंने रामचंद्र जी को भी अपना कांटा हटा दिया रस्ते से, उसको मैंने भेज दिया वनवास. पहले तो इसको भरत को समझ में नहीं आया कि जो इतना खास, इतने करीबी रहने वाला पुत्र जो था, कैकेयी तो राम को भरत से ज्यादा चाहती थी, वो लड़के को कैसे ऐसे उसने उसे भेज दिया. बहुत सुनाया उसने, बहुत खरी खोटी सुनाई उसने कि तुझसे ये उम्मीद नहीं रखा था, और बहुत सुनाया उसने. सुनाते सुनाते इसको इतना क्रोध आ गया. शत्रुघ्न ने कहा, ये जड़ मुसीबत का जड़ नहीं है, असली जड़ तो उपजा है, वो उबड़ी है, उसको मारना चाहिए. बहुत सुना दिया. किसी भी तरह राम भरत जी राज्य तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, वो राजा बनने को तैयार नहीं थे, मगर मंत्रियों के कहने पे उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, और तुरंत अपने मंत्रियों से कहा, मैं अब जाऊंगा रामचंद्र जी को लेके आऊंगा, और अगर जरूरत पड़ा तो मैं वन में रहूंगा, 14 साल मैं वनवास रहूंगा, और रामचंद्र जी को यहां भेजूंगा और उनको उनसे पूरा राज्य दिलवाऊंगा. तो तुरंत सभी ना इंजीनियर्स को बुलाया गया और बढ़िया सा रास्ता बनाया गया जंगल की ओर जाने. सुमन तो वहां उनको गोवा के पास छोड़ के वापस आ गए थे, और जब पूरी वृतांत बताया तो भरत ने बोला कि चले हम लोग जाके रामचंद्र जी को वापस लेके आ गए. ब्रेक हियर, नेक्स्ट वीक विल कंटिन्यू, डोंट वरी. राम कथा पूरी कंप्लीट करेंगे, चिंता मत कर. जब तक रावण का वध नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं आपको. ओके, स्टॉप द रिकॉर्डिंग.